हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी सा नाश्ता जो कि मकई से बनाया है मैंने। उसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड के किनारे को मैंने कट कर लिया है और मकई लिया है जो कि अमेरिकन मकई है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है तो वो उसका पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मैंने 3 मकई लिया है और उसको मैंने चाकू से कट कर लिया है, बीच से पूरे दाने मैंने कट कर करके निकाल लिए हैं, उसको कट करना ज़रूरी है। और मिक्सी के जार में मैंने लहसुन, धनिया, मिर्ची ये सब ले लिया है, उसको पीस के मैंने साइड में रख लिया है। और ये चटनी के लिए मैंने टमाटर और मिर्ची, लहसुन ये सब कुछ डाल के चटनी बना लिया है। 2 प्याज काटा है, धनिया काटा है और इन सब चीज़ों को मैंने जो मकई कट करके रखा था ना उसमें मैंने डाल दिया है। उसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर जो मैंने पीस के रखा था वो सब कुछ डाल दिया है। बेसन लिया है मैंने 2 चम्मच, आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से ले लेना। और उसका बैटर तैयार कर लिया है पकौड़े का, और मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करके वो बैटर से मैंने 1-1 चम्मच करके डाला है और ये पकौड़ा बहुत ही अच्छा बना है। ब्रेड पे मैंने सोया सॉस लगाया है, ये ग्रीन चटनी है, तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाना और देखना कैसा लगा, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये नाश्ता। देखने में सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।